नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। सपापुर एमएलए के 400 करोड़ जब्त, झांसी पुलिस अब बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज और रेंज रोवर करेगी नीलाम। झांसी जेल में है पूर्व एमएलए। शीतलहर की चपेट में यूपी, सुल्तानपुर, अयोध्या, कानपुर, झांसी में पारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा। लखनऊ के कुछ हिस्सों में छाया कोहरा। ग्यारह साल तक बंधक रहकर झेली यातनाएं, दलित लड़की बोली मेरा धन परिवर्तन कराया, जबरन गैंग रेप किया, चाहता था बांधकर बेल्ट से पीटते थे। कानपुर आने वाली फ्लाइट पांचवें दिन भी निरस्त, कोहरे के चलते रात को आने वाली ट्रेन सुबह गई, रोडवेज बसों को नहीं मिल रही है यात्री। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद का बड़ा बयान आया है सामने, बोले हमने हिंदू सेंसर बोर्ड बनाया, क्या कांग्रेस बांग्लादेश पाकिस्तान को जोड़ना चाहती है। वाराणसी के रैन बसेरे में गीजर और ब्लोवर की व्यवस्था, रात में ठहरने के लिए 23 स्थानों पर की गई है 886 बिस्तर की व्यवस्था। इटावा में सड़क हादसे में घायल महिला की मौत, 26 दिसंबर को बाइक की टक्कर से हुई थी घायल, इलाज के दौरान मौत। श्रावस्ती में वन रेंजर की पत्नी की मौत, रेंजर के हालात गंभीर, लखनऊ में चल रहा है इलाज, खाना खाने के बाद बिगड़ी थी दोनों की तबीयत। बहराइच में 3 घरों में चोरी कई खुलासा हुआ है, नकदी व जेवरात के साथ 2 गिरफ्तार, एक 15,000 का इनामी है जिस पर 25 से ज्यादा केस दर्ज। औरैया में घने कोहरे के बीच हादसा, टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराई टूरिस्ट बस, चालक समेत 4 घायल। बुंदेलखंड में काले हिरण से किसान परेशान, फसलें बर्बाद कर रहा है झुंड, अधिकारी बोले रोकने को किया जाएगा बेहतर बंदोबस्त। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका बेटा अरेस्ट, 7 महीने से फरार मीट कारोबारी, पुरानी दिल्ली के घर में छिपे थे। बहराइच में बर्फीली हवा से बढ़ी है गलन, घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगी है ब्रेक, अलाव के पास बैठे दिखे लोग। ट्रेन से टूंडला पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, रेलवे की व्यवस्था को सराहा, फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए थे लखनऊ। वाराणसी में 11 km/h की रफ्तार से चल रही है हवाएं, शहर में विजिबिलिटी 200 मीटर, गंगा किनारे छाया घना कोहरा। फिरोजाबाद में 10,000 का इनामी गिरफ्तार, लूट डकैती के मामले में सालों से था वांछित, गैंगस्टर के तहत 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। फतेहपुर में सड़क हादसे में किशोर की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, सवारी छोड़कर लौट रहा था घर। अमेठी की सीडीओ पहुंची कटियावां, विकास कार्यों का जायजा लिया, ग्रामीणों से योजनाओं पर बात की। एटा में साइबर ठगी के मामले बढ़ने पर पुलिस अलर्ट, धोखाधड़ी के शिकार युवक के रुपए कराए वापस, दिए बचाए के टिप्स। मिर्जापुर में चला बिजली चेकिंग अभियान, एक दिन में 149 कनेक्शन काटकर वसूला 20,32,000, बिजली चोरी पकड़ी गई। भदोही में सड़क हादसे में युवक की मौत, चीनी मिल के पास बम
बस से साइकिल ने मारी थी टक्कर, ड्राइवर और कंडक्टर फरार। बागपत में पुलिस ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, बाजारों में बिना वजह घूमते वालों से पूछताछ, शांति व्यवस्था बनाए रखने की गई अपील। हापुड़ में फ्लाईवुड फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग की छापेमारी, 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई, 50 सदस्यों टीम कागज की जांच में जुटी। इटावा पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, बोले भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा का कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस के मजबूत होने से खतरा। सोनभद्र में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया है गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद महिला का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। औरैया में दबियापुर मार्ग पर पलटा अनियंत्रित ऑटो, सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल महिला सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कानपुर में बीजेपी पदाधिकारी को दरोगा ने जड़े थप्पड़, बीजेपी पदाधिकारी की पिटाई प्रकरण में हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में खेतों में पानी देने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी। अमरोहा में बोलेरो कार की खिड़की खोलकर युवक युवतियों ने किया स्टंट, बोनट पर रखकर काटा केक। हरदोई में कार में फंसे छात्र को 1 किलोमीटर तक घसीटा, घुसाए लोगों ने, पलट दी कार, एसपी बोले अभियोग दर्ज कर की जाएगी कार्रवाई। अमरोहा में एसपी आरोपियों के खिलाफ अनोखी कार्रवाई, बदर अपराधियों के इलाके में ढोल नगाड़े के साथ लाउड स्पीकर से कराई मुनादी। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में लगी आग, आग लगने से झोपड़ी में रखा सामान जलकर हुआ खाक। अमरोहा में बाइक सवार साथियों के साथ मिलकर कार सवार के साथ की लूट, साथी जमकर की पिटाई, कार्रवाई में जुटी पुलिस। औरैया में घने कोहरे के साथ तापमान में आई है गिरावट, जनपद में कोचिंग जा रहे छात्र रास्ते में अलाव का सहारा लेते दिखे। फरुखाबाद में भव्य दीपोत्सव के साथ मेला रामनगरिया का भव्य शुभारंभ, संत समाज ने किया बहिष्कार। गाजियाबाद में आयकर अधिकारी से 42 लाख की ठगी, 6 महीने में घर बनाने का झांसा देकर लिए रुपए, ठेकेदार समेत 2 पर FIR। लखनऊ में निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण, साफ सफाई व गर्म कपड़े का प्रबंधन करने के दिए हैं दिशा निर्देश। मैनपुरी में पुलिस व साइबर सेल की टीम को मिली है बड़ी सफलता, संयुक्त टीम ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बीस फीट गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत, झांसी में मछली पालने के लिए खोदा गया था गड्ढा, पैर फिसलने से हादसा हुआ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने गोल सिटी की किया है निरीक्षण, आगामी G20 सम्मेलन को लेकर लिया जायजा। मैनपुरी भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान का बड़ा बयान, बोले योगी का बुलडोजर 4.5 साल में यूपी में लुंगी डांस कराएगा। माता शाकंभरी देवी तीर्थस्थल पर जन्मोत्सव को लेकर भक्तों की भारी भीड़, मां शाकंभरी देवी जी सहारनपुर की
अधिष्ठात्री देवी हैं। संभल में 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या, कलयुगी पिता ने पत्नी के शक के चलते की हत्या, पिता ने जूते के फीते से घोटा मासूम का गला। मालदा में योगी सरकार की मंशा खरी उतरी, डीएम ओवरलोड ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई, अपलोड ट्रकों को पास कराने वालों में मचा हड़कंप। हमीरपुर में नाले में शव मिलने से इलाके में सनसनी, राहगीरों ने शव देकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, युवतियों को अगवा कर बेचने वाले गैंग को पुलिस ने दबोचा, महिला सहित 5 लोग हुए गिरफ्तार। हमीरपुर में छात्रा व उसके परिजनों से मारपीट का मामला में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। कानपुर में अवैध खनन माफियाओं का कहर जारी, खनन के चलते डंपर से टकराने पर लड़कों से की है मारपीट, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। लखीमपुर खीरी में पुलिस फायर विभाग की दीवारों को रंगा गया भगवा रंग से, अग्निशमन अधिकारी ने भगवा रंग से रंगाया कार्यालय। कानपुर में ठंड ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा पारा, 24 घंटे में हाई अटैक बेन स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत। सदर तहसील पहुंचे जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार, संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रकरणों का तत्काल कराया जाएगा गुणवत्तापूर्ण निरस्तारण। मेरठ में बसपा नेता और पूर्व मंत्री याकूब बेटे सहित कोर्ट में किया गया पेश, पेशी लखनऊ में अपर जिलाधिकारी और आपदा विशेषज्ञ कलेक्ट्रेट में बनी रही पार्किंग, काम कर रहे मजदूरों को किया गया कंबल वितरण। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे राहुल गांधी का हमशक्ल, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते रहे उर्फ फैसल चौधरी। लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, सिस्टी अपार्टमेंट में महिला को कुत्ते ने काटा, बीते दिनों दर्जनों लोगों को आवारा कुत्तों ने बनाया अपना निशाना। बुलंदशहर में नहीं रुक रहा है हरे पेड़ों का अवैध कटान, पुलिस व वन विभाग की मिली भगत से धड़ल्ले से हो रहा है पेड़ों का अवैध रूप से कटान। लखनऊ की जिम बनी मौत की वजह, वर्कआउट के दौरान अचानक हार्ट अटैक, जिम में वर्कआउट के दौरान डॉक्टर की मौत। कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे सरकार पर किया है प्रहार, बोले देश के अमीरों को और अमीर बनाने में लगी हुई है बीजेपी सरकार। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिया खान अहमद जावेद का बड़ा बयान सामने आया है, बोले मदरसों में गैर मुस्लिम तो सांस्कृतिक स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। हरदोई में शौचालय का पैसा हड़प गए लाभार्थी, जांच में सामने आई है हकीकत, अरिहोरी विकासखंड के कराही मजरा दाऊदपुर का है मामला। आगरा में जेल जा चुकी अंजलि की दोस्त निधि, 2 साल पहले गांजा तस्करी करते पकड़ी गई थी, तेलंगाना से दिल्ली सप्लाई करती थी। हापुड़ में एक चोर से 5 बाइकें बरामद, अलग अलग पुर्जे कर बेचता था गाड़ी, चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भाग रहा था। कौशाम्बी में मिली महिला की अजली शव, हत्या के बाद बोरे में भरकर फेंका, शरीर पर नहीं था कोई भी कपड़ा, शिनाख्त नहीं।
सात साल पुराने राजू बाबू हत्याकांड में पांच दोषी, सुल्तानपुर की कोर्ट 10 जनवरी को सुनाएगी सजा। चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या। आगरा में दो ट्रकों से टकराई बीएमडब्ल्यू, पांच लोग घायल। कैटर ने मारी थी टक्कर, बेकाबू होकर सर्विस लेन पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हाथरस में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में वृद्धि, डॉक्टर बोले विंटर डिप्रेशन की समस्या सावधान रहें, सर्दी में लोग होते हैं शिकार। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा पर कसा है तंज, बोली अखिलेश की सरकार में उद्योगपतियों से होती थी उगाही। बलिया में दो किशोरियों को अगवा करने का आरोप, परिजनों ने पुलिस को दिए तहरीर, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। संपूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त ने सुनी है फरियाद, विवादों की तह तक जाकर स्थायी समाधान के दिए हैं निर्देश, ठंड के बावजूद जुटे फरियादी। पीलीभीत में पड़ोसी के घर में घुसकर किए छेड़खानी, माता पिता के बाहर जाने के बाद घर पर अकेली थी छात्रा, धमकी देकर भागा। मुरादाबाद में छह महीने से युवती लापता, परिजनों का आरोप, दामाद और उसके दोस्तों ने बेटी को मार डाला, एफआईआर दर्ज। रायबरेली में नहर में मिले दो बच्चों के शव, चार दिन पहले बच्चों को लेकर कूदी थी मां, महिला का शव उसी दिन हो गया था बरामद। गोंडा में धू धू कर जला ट्रांसफार्मर, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने पाया काबू, लंबे समय से था जर्जर हालत में। आगरा में रुई के गोदाम में लगी है भीषण आग, धुआं उठने पर आग लगने का पता चला, फायर ब्रिगेड ने एक घंटे में पाया काबू। टीचर ने नए साल में छात्रा को दिया है लव लेटर, ग्रीटिंग में छुपा था, परिवार के लोगों ने खोला तो सच आ गया सबके सामने। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।